गाइस बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। 3-4 दिन ऑलमोस्ट बीत गए हैं, पता नहीं भाई, लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं जिद्दा पॉइंट यहाँ का पिंक टी पीने के लिए। मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया हुआ है किस तरह का टी है, और एक बार बना देता हूँ प्रॉपरली थोड़ा सा। ये देख लो भाई, जिद्दा पॉइंट। तो बस मैं अभी एंटर ले रहा हूँ, बस पिंक टी लेना और कोई टी और केक वगैरह नहीं। लोगों ने गाइस तीन लिया है पिंक टी, ये देख लो। तो गाइस मैंने पिंक टी तो ले लिया है, इसका डिटेल में एक मैंने ब्लॉग बनाया है, कोई डिफरेंट ब्लॉग है, कंटेंट डिफरेंट है, ये मैंने उस ब्लॉग में दिखाया है, शायद से लुलू वाला ब्लॉग था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। प्रॉपर उसमें मैंने बताया हुआ है क्या चीज़। फिर अभी जाते हैं और का मैं आपको दिखाऊँगा। अभी शायद से प्लान बन रहा है एक शॉप जाने का, तो मैं सीधा जाके आपको दिखाऊंगा। सभी लोग पहुँचे 5 रियल शॉप। ये बहुत ही अच्छा शॉप है यार, यहाँ पर जितना भी स्टेशनरी वगैरह है भी 5 रियल के अंदर मिल जाता है, काफ़ी सही दुकान है, आप चाहे तो इधर आ सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने एक फ्यूचर ग्रुप को नाम का एक क्लोथ मार्केट है कपड़े का, शायद से यहाँ पर होलसेल में मिलता है, पता नहीं। आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं फ्यूचर ग्रुप को, तो सेंट मालबेक भी आप खाते पीते भी एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पर एक पेट टूम्स नाम की जगह है, जस्ट 5 रियल शॉप जस्ट फ्रंट में, तो एक छोटा सा मान लो जू की तरह, बहुत छोटा सा है वो, उधर बस चिड़िया वगैरह है, ज़्यादा नहीं। तो अभी चलते हैं सीधा 5 रियल शॉप। वेल मैं इसको 5 रियल शॉप थोड़ा सा गलत हुआ, 5 रियल 75 हलाला है इस शॉप का प्राइस। हर एक सामान आपको उतने में ही मिल जाएगा, 5.75 रियाल। तो अभी चलते हैं, एंटर लेते हैं और क्या। वेल गाइस मैं अभी जस्ट एंटर हुआ हूँ
5.75 रियाल के शॉप, ऑलमोस्ट भाई 66 रियाल का है ये शॉप 5.75। तो 25 हलाला और ऐड हो जाने से वो हो जाएगा 6 रियाल। तो भाई समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मामी ले रही है, लेट हो गया शायद से। अच्छा मम्मी अभी बाउल ले रही है, पता नहीं जो भी कुछ लेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो खैर मुझे अपने सेक्शन में जाना है, स्टेशनरी वाले सेक्शन में, और बस चलते हैं इस नज़ारे को एंजॉय करें। तो अभी 5 रियल शॉप में हर एक चीज़ मिलता है। सुनो पहले फूड सेक्शन नहीं हुआ करता था 5 रियल शॉप में, लेकिन अब उसको भी ऐड कर दिया गया है। ये देख लो भाई एक औसम सा प्लेट, मैंने मम्मी को बोला कि ये ले लो अच्छा सा है, मतलब उसका डिज़ाइन वगैरह, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। और तो फिर इधर थोड़ा प्लेट वगैरह के साइड में इधर टेबल क्लॉथ वगैरह भी है, और इधर सारा प्लेट्स वगैरह, और आप लोग देख ही सकते हैं मैंने बनाया है। मुझे कमेंट से बताएं मैं अच्छा मतलब रिकॉर्ड कर पाता हूँ या नहीं, जैसे मतलब शेक वगैरह होते हैं या नहीं। एडिटिंग के वक्त मुझे लगता है कि सही मैं करता हूँ, पर आप लोग के ऊपर। और मम्मी ने लिया है ये वाला प्लेट, और ये रहा बाकी के प्लेट बाउल। मम इस सेक्शन से हटी ही नहीं बिल्कुल भाई। अहम मौके पे मैंने मम्मी को बोला मम्मी उधर थोड़ा फूड सेक्शन में भी चलो, थोड़ा मतलब स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। और भाई बहुत ही अच्छा अच्छा डिज़ाइन वाला प्लेट्स यहाँ पर मिलता है, प्लेट्स बाउल एक्सेट्रा टॉयज मतलब हर एक चीज़ मिलता है यहाँ पर ओनली इन 5 रियाल 5.75 रियाल, बहुत चीप है। और ये रहा बाउल वगैरह, तो ये प्लेट काफ़ी शानदार है ये ब्लैक वाला। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये भी ले लो, मम्मी ने कहा नहीं कुछ अच्छा सा लेंगे। वेल आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में, मैं सोचा कि थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेता हूँ, थोड़ा सा वॉइस दे भी देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में मैंने बिल्कुल वॉइस नहीं दिया था और सिर्फ म्यूज़िक में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस ये देख लो ये वाला मम्मी ने लिया है प्लेट, बहुत अच्छा सा इसमें बिल्डिंग देखो खुद ही आप देख ही सकते हैं कि प्लेट में किस तरह का डिज़ाइन है। इसका पूरा सेट मम्मी ने लिया है, प्लेट एक बाउल और ये केटल मम्मी ने नहीं लिया है, बाकी सब कुछ लिया है भाई, बहुत अच्छा प्लेट है। तो ये मम्मी ने लिया, और मम्मी ने क्या किया लिया भाई, इसका डिज़ाइन देख लो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, पूल बना हुआ है, और काफ़ी सही है। तो मम्मी ने ये इसका पूरा सेट मैंने आपको अभी जस्ट बोला था, तो ये ट्रॉली में हम लोगों ने रख लिया है। तो अभी गाइस ये एरिया है अपना डेकोरेशन वाला एरिया, यहाँ पर सारे बलून्स वगैरह है बर्थडे के लिए। और उधर सामने जहाँ पर मैं अभी अपना उंगली दिखाया हाथ दिखाया, उधर ही प्लेट सेक्शन है, मतलब उधर बाउल प्लेट वाला सेक्शन। उसके बाद हम लोग आ गए सीधा फूड सेक्शन। तो ये देख लो भाई चॉकलेट्स वगैरह, और इधर सारा और ये वगैरह भी है कॉफ़ी वेफर्स। तो गाइस मैंने चिप्स लिया है, गारमेंट नाम का, गारमेंट ऐसे कुछ नाम का एक चिप लेज वाला, तो मैंने वो लिया है। और आप देख ही सकते हैं ये देखो मैंने आपको दिखाया ये मुझे एक फिग बर्गर का एक छोटा सा मिला, तो मैंने सोचा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो मैंने दिखाया। तो गाइस अभी हो रहा है बिल, ये मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि पापा आप रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मुझे थोड़ा आलस आ गया और मैं सामान रख रहा था ये देख लो। तो ये मेरे पापा ने शूट किया है, मुझे आप लोग कमेंट से बताएं कि पापा ने कैसा सा शूट किया है, कैमरा मतलब शेक वगैरह किया है या नहीं, आप मुझे कमेंट से बताएं। मेरे पापा को इतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कैमरा शेक हो रहा है या नहीं, पापा को सही से समझ में नहीं आता। तो